सामने से बिहार के खानदानों की खिदमत की है वो हम अर्ज करते हैं कि वो काबिल तारीफ है, इसको आपने कबूल फरमाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईद उल मिलादुल नबी के मौके पर खानकाह फुलवारी शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने चादर पोशी की है। मजार पर जाकर उन्होंने तस्वीर में आप देखिए, वीडियो में देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सर पर चादर लिए हुए हैं। साथ में विजय चौधरी भी हैं और इसके अलावा कई लोग वहाँ हैं। फुलवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन भी साथ में मौजूद हैं और सभी लोग खानकाह के मजार पहुँचे हैं और सभी लोगों ने चादर पोशी की। आपने खुद वीडियो में देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं और चादर पोशी करने के बाद अंदर में ही प्रदेश की अमन और चैन के साथ साथ नीतीश कुमार कैसे और बेहतर राजनीतिक रूप से काम कर सकें, कैसे राज्य और देश को इनकी राजनीतिक तजुर्बे का फायदा मिल सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर दुआ भी किया गया है। जरा इस दुआ में भी आप सुनिए किस तरीके की दुआएं मांगी जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। मान लीजिए चलते हैं कि आपके आस्थाने से हम सबको उम्मीद मिलती है जिससे हम सबका गुजारा होता है, जिससे आपकी निगाह हो जाती है उसकी कुर्सी को 17-18 साल से कोई गिरा नहीं पाया। हम ये फरियाद उनके तरफ से पेश करते हैं कि इस कुर्सी के पाए और भी इतना जड़ पकड़ लें, बड़े लंबे अर्से तक इस कुर्सी के जड़ को कोई गिरा नहीं सकता। पूरे बिहार के जो इतने खिदमात थे वो भी काबिल जिक्र है, ये भी आपकी आसान बात पे बयान करने के लायक है। बिलखसूस सुबह बिहार की तमाम खानकाहों पर जितनी इनकी निगाह रही है और जिस कदर इन्होंने बिहार के खानकाहों की खिदमत की है वो हम अर्ज करते हैं कि वो काबिल तारीफ है, इसको आपने कबूल फरमाइए और इनकी खिदमत को कबूल फरमाते हुए इनका जो दायरा हल्का है ये जिस। तो अभी आपने दुआ को सुना है किस तरीके से दुआ मांगी जा रही थी प्रदेश के लिए, देश के लिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्षी एकता की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम अटेले के रूप में पेश करने की बात हो रही है, तो आज खानकाह में चादर पोशी के बाद उनके लिए दुआ भी की गई और साफ साफ कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से बिहार की सत्ता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बखूबी ईमानदारी से काफ़ी मजबूती से संभाला है, अब जरूरत है देश की सत्ता को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभाले, इसके लिए दुआएं मांगी गई है। इसके लिए सभी लोगों ने हाथ फैलाकर दुआएं मांगी है और दुआ भी पढ़ी जा रही है, आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्या नीतीश कुमार सचमुच अब चुनावी मोड के बाद अब जो है खानकाह पहुंचकर एक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, क्या सचमुच में नीतीश कुमार के लिए जो दुआएं मांगी जा रही है, क्या नीतीश कुमार जो अमन और चैन के लिए चादर पोशी की है, इन तमाम तरह के सवालों को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट ग्रुप में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।